खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब आपका दिन खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, जब इनसिक्योरिटी महसूस हो तो क्या करना चाहिए। नेवर फिनिश्ड किताब से डेविड कॉगिंस के 6 प्रैक्टिकल और मेंटल टिप्स जो आपको मेंटल टफनेस के साथ साथ समझदार बनाएंगे। सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप है, कभी नेगेटिव माइंडसेट में सोने मत जाओ। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आपकी यात्रा में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जहां कुछ अच्छा नहीं होता, पूरा दिन खराब हो जाता है। उस दिन मन करता है जल्दी सो जाओ और परेशानियों के बारे में भूल जाओ। डेविड कहते हैं कभी नेगेटिव या हारे हुए माइंडसेट में सोने मत जाओ, क्योंकि सुबह होते होते वो फीलिंग और गहरी हो जाती है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आपको रियलाइज नहीं होता लेकिन नेगेटिव फीलिंग बैकग्राउंड में बनी रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए, सोने से पहले कुछ पॉजिटिव काम करो, वर्कआउट करो, कमरा साफ करो, कुछ पन्ने पढ़ो, कुछ भी प्रोडक्टिव काम करो जिससे सोने से पहले खुद पर गर्व हो, जिससे सोने से पहले आपको लगे कि कुछ भी हो मैं कंट्रोल में हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, इस फीलिंग के साथ सोने जाओ। सुबह होते होते ये फीलिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस मेंटल स्टेट में आप सोने जाते हो वो फीलिंग सुबह तक कई गुना बढ़ जाती है। डेविड कॉगिंस की अगली प्रैक्टिकल सलाह है, मैक्सिमाइज रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस आपके पास उपलब्ध है उनको निचोड़ डालो। आपके पास सीमेंट के डंबल्स हैं कोई बात नहीं, इन्हीं से सारी एक्सरसाइज करो। बॉडी वेट से नए वर्कआउट प्लान बनाओ। आप कोचिंग नहीं जा सकते कोई बात नहीं, बुक्स और यूट्यूब नाप दो। डेविड कहते हैं कि जो भी साधन और रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हें मैक्सिमाइज कर दो। ऐसा करने से न केवल आप कंपटीशन के बराबर आ जाओगे बल्कि आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास एसी जिम और बेस्ट कोचिंग्स हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है मेंटालिटी। किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करते समय आपकी मेंटालिटी बदल जाती है, आप स्टूडेंट से शिकारी बन जाते हो। आप बेहतर होने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। आप लगातार सोचते हो मैं फ़ायदा कैसे उठाऊं, मैं इस चीज़ को बेहतर कैसे करूं, और आपकी मेंटेलिटी इतनी ताकतवर हो जाती है जो एक अमीर और प्रिविलेज्ड इंसान की नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ऐसा सोचने का, ऐसा स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको निचोड़ डालो। अगली बात, इनसिक्योरिटीज़ को अलार्म बनाओ। दोस्तों, सोशल मीडिया से पहले आप अजनबी लोगों के, क्या पहचान वालों के हनीमून के फोटो नहीं देख सकते थे। इस बात को गहराई से समझो। आज आप इंस्टाग्राम पर दोस्त और अजनबियों के घर, नई गाड़ी, हनीमून और वेकेशन देखकर महसूस करते हो कि यार मैं तो इस कमरे में फंसा हूं और दुनिया कितनी आगे निकल रही है। डेविड कहते हैं कि सोशल मीडिया ने यूएसए की नई जनरेशन को बहुत इनसिक्योर और लालची बना दिया है। ये लोग हमेशा तुलना और शिकायत करते हैं। डेविड कहते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज को अलार्म बनाओ। जब भी आपको लगे यार मैं पीछे रह गया, मुझमें कुछ कमी है, तो खुद से पूछो क्या आज मैंने डेली गोल्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। अगर नहीं लगाया तो इनसिक्योर होने का क्या मतलब है, क्योंकि आप वो काम कर ही नहीं रहे जो करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डेविड कहते हैं जब आप इस तरह से डिसिप्लिन हो जाते हो, इनसिक्योरिटीज को अलार्म बनाते हो, तब आपके पास सोशल मीडिया के कचड़े के लिए समय नहीं होता। अगली सलाह के लिए डेविड कॉगिंस कहते हैं आपके लिए गुड न्यूज है, आज की डेट में महान बनना आसान है, क्योंकि आजकल हर कोई ट्रिक्स और शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहता है। आप केवल एग्जाम क्लियर नहीं करना चाहते बल्कि आप बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, ऐसा जीवन जीना चाहते हो जहां आपको खुद पर गर्व हो सके। डेविड कहते हैं जब आप एक बार ग्रेटनेस के लिए कमिट करते हो तब आपकी टास्क लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, और यही वो चीज है जो आप में और बाकियों में अंतर पैदा करती है, क्योंकि आपके लिए ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। आप निरंतर खुद को बेहतर करने में लगे हो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि आज की डेट में महान बनना आसान है। घंटों को दिन बन जाने दो, दिन को हफ्ते बन जाने दो, और हफ्तों को साल बन जाने दो, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो महानता का माइंडसेट होना चाहिए। महानता का माइंडसेट कैसे आएगा, टाइप सी गोल से। इसी बात को अगले पॉइंट में समझो। डेविड कहते हैं कि फेलियर से निकलने के लिए असंभव गोल बनाओ। अल्ट्रा रेस दौड़ने से 6 महीने पहले मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मैं 6 महीने बाद 240 माइल्स यानी 380 किलोमीटर भाग सकता हूं, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डेविड कहते हैं मैं महसूस कर सकता था मेरी टीम और पत्नी निराश हो रहे हैं। मैंने सोचा ठीक है,
अगर 6 महीने बाद घुटना खराब ही रहा तो कुछ और करेंगे, लेकिन अगर मेरे ठीक होने का प्रयास रंग लाया, अगर दर्द होने के बावजूद मैं ट्रेनिंग कर पाया तो हो सकता है कि बस एक छोटी सी उम्मीद है कि मैं 6 महीने में ठीक होकर 380 किलोमीटर दौड़ पाऊं। डेविड कहते हैं, मैंने तभी तिनके सी उम्मीद पर असंभव टारगेट बना लिया कि 6 महीने में ठीक होना है और रेस में भाग लेना है। डेविड कहते हैं कि ब्रह्मांड का अलिखित नियम है, अनरिटन लॉ ऑफ द यूनिवर्स, कि आपकी परीक्षा होकर रहेगी। जब आपको उम्मीद नहीं होगी तब मुश्किल जरूर आएगी और आप मुंह के बल गिरोगे। डेविड कहते हैं, मैंने अनुभव से सीखा है कि जिंदगी के बड़े से बड़े फेलियर के तत्काल बाद असंभव टारगेट बनाना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अक्सर लोग कंफर्ट जोन में रहकर गोल बनाते हैं, यानी लोग वही गोल बनाते हैं जो सबकॉन्शियसली उनको संभव लगते हैं, लेकिन ऐसे गोल बनाकर हम ग्रोथ पहले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब हम कॉन्शियसली अपनी मानसिक सीमाएं और बिलीफ सिस्टम तोड़ते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। बॉब प्रॉक्टर भी यही कहते हैं कि टाइप सी गोल्स बनाओ, जिनके बारे में सोचकर डर और जोश एक साथ महसूस होता है, और इसके बाद जुट जाओ। डेविड कहते हैं, मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे हाथ पैर की एक्सरसाइज करता रहा, क्योंकि अब मेरा दिमाग हर समय बस ठीक होने की सोच रहा था। हर थेरेपी सेशन का एक लक्ष्य था कि मुझे ठीक होकर दौड़ना है। ऐसा करने के लिए मैं हमेशा फोकस्ड रहता और दुखी होने का मौका नहीं मिलता। डेविड कहते हैं, असंभव गोल बनाना बहुत जरूरी है। मुझे हारने का डर नहीं था, मुझे इस बात की क्लैरिटी थी कि अगर मैं दोबारा नहीं दौड़ पाया तो मैं किसी और चीज का नया असंभव गोल बनाऊंगा और कूद पड़ूंगा। मेंटल टफनेस के लिए आखिरी प्रैक्टिकल सलाह डेविड कॉगिंस देते हैं कि अपने पास्ट को कभी एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल मत करो। बचपन में मुझे बहुत मारा गया इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, अब मेहनत करने से क्या फायदा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं सच क्यों बोलूं। जब जब आप अपने पास्ट को बहाने मारने के लिए इस्तेमाल करते हो, तब तब आप खुद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका खो देते हो। कभी अपने पास्ट को बहाने मारने के लिए इस्तेमाल मत करो। डेविड कहते हैं कि अगली बार जब आप खुद को शिकायत करते हुए पकड़ो तो उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करो और बार बार सुनो। अपनी आवाज में, अपनी टोन में शिकायत सुनना आपको पसंद नहीं आएगा, आपको कुछ यादें भी आएंगी, लेकिन फिर भी अपनी रिकॉर्डिंग सुनो। आपको कुछ दिनों में दो चीज समझ में आएंगी कि शिकायत में कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, और दूसरी बात कि आप उस परेशानी से बाहर निकलकर कितने ताकतवर बन चुके हो, और आप अपने आप अपने पास्ट को बहाने मारने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। दोस्तों, समरी में सबसे पहली प्रैक्टिकल मेंटल टिप है, कभी नेगेटिव माइंडसेट में सोने मत जाओ। सोने से पहले कुछ पॉजिटिव काम करो, वर्कआउट करो, कमरा साफ करो, कुछ पढ़ने पढ़ो, जिससे आपको सोने से पहले लगे कुछ भी हो मैं कंट्रोल में हूँ। जिस माइंडसेट में हम सोने जाते हैं वो फीलिंग सुबह तक कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी मेंटल टिप है मैक्सिमाइज रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं उनको निचोड़ डालो। किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करते समय आपकी मेंटेलिटी बदल जाती है, आप शिकारी बन जाते हो, हमेशा सोचते हो कि मैं इसको बेहतर कैसे करूं। तीसरी मेंटल टिप है इनसिक्योरिटीज़ को अलार्म बनाओ। जब भी आपको लगे यार मैं बहुत पीछे रह गया, मुझ में कुछ कमी है, तो खुद से पूछो, क्या आज मैंने डेली गोल्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा टाइम लगाया है? अगर नहीं लगाया तो इनसिक्योर होने का क्या मतलब है? चौथी मेंटल टिप, खुद को बार बार याद दिलाओ कि महान बनना आसान है। हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें हमको खुद पर गर्व हो सके। लगातार अपने ऊपर काम करो, आपकी टास्क लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। पांचवी मेंटल टिप, फेलियर से निकलने के लिए असंभव गोल बनाओ। टाइप सी गोल्स बनाओ, जिनके बारे में सोचकर डर और जोश एक साथ महसूस होता है, और इसके बाद जुट जाओ। आप ज्यादा फोकस रहोगे और दुखी होने का समय नहीं मिलेगा। आखिरी प्रैक्टिकल टिप, अपने पास्ट को कभी एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल मत करो। शिकायत करते समय खुद को रिकॉर्ड करो और बार बार सुनो। आपको पता चलेगा कि आप पास्ट से कितने स्ट्रांग हो चुके हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि अल्टीमेट क्लैरिटी क्या होती है, हम सही डिसीजंस कैसे लेते हैं, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।